एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना वायरस संकट के बीच पुलिस जहां लोगों को जागरूक कर रही है, घर में रहने की अपील कर रही है, तो वहीं बकरीद के मौके पर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से अपील की है, उन्होंने क्या कहा सुनिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं गुप्तेश्वर पांडे, DGP बिहार। कल ईद उल जुहा का त्योहार है। यह ऐसा त्योहार है जो दुनिया को खुशी का पैगाम देता है। हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस दिन अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा और बेटे की कुर्बानी देनी चाही, अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत से लाकर बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया, छुरी चली। लेकिन हजरत इब्राहिम साहब के बेटे की गर्दन पर नहीं चली, वो दुम्बे की गर्दन पर चली और दुम्बे की गर्दन अलग हो गई। जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपने आंख की पट्टी खोली तो ये देखा कि दुम्बे की गर्दन कटी हुई है, बेटे की जगह दुम्बा है। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम साहब ने अपना सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इस मौके पर मुसलमानों को किसी खास जानवर की कुर्बानी देने को नहीं कहा गया है, खासकर मुल्क में जिन जानवरों की कुर्बानी को कानूनी जुर्म कहा गया है या माना गया है, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी है। हजरत इब्राहिम साहब की ये कुर्बानी कयामत तक के लिए इंसानों को मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हर हालत में कौमी एकजहती बरकरार रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कौमी एकजहती को खतरा हो, आपसी भाईचारगी को खतरा हो, कहीं भी तनाव पैदा हो। एक बात और है, ऐसा वक्त आया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना, पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क तबाह हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया। कोरोना हिंदू मुसलमान किसी को नहीं पहचानता, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं।
बड़ी मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं, इस कोरोना को हराना है, इसलिए आपने सारे मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा की। बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई रास्ता और नहीं है। मैं यही गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके कि बहकाने वाले, फुसलाने वाले और आपको गुमराह करने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो अज्ञानता में करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है मुल्क के वतन के कानून का पालन करना जरूरी है। ईद उल जुहा की नमाज भी अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा करनी है। देखा आपने सावन के महीने में करोड़ों लोग हिंदू भाई मंदिर में, शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकलते थे, नहीं निकले। रामनवमी का जुलूस नहीं निकला। अरे अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई। हालात ऐसे हैं, सारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने की पाबंदी है, मंदिर हो मस्जिद हो। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि ईद उल जुहा की नमाज भी अपने घर में मनाएं और दुआ करें अल्लाह से कि ये संकट जल्दी खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी। कोरोना जाए, पूरी दुनिया से जाए, अपने मुल्क से जाए, अपने बिहार से जाए, और फिर वो खुशियों के दिन वापस लौटें कि हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपने मन के हिसाब से इबादत कर सकें। बहुत संयम और बहुत धैर्य के साथ काम लेना है। मैं हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, हर मजहब के तमाम भाइयों की भावनाओं का, सेंटिमेंट का ख्याल रखता हूं और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रखता हूं। अपने आप को, मेरी बात मानिएगा ना। आप सबों को बहुत बहुत बधाई ईद उल जुहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के शिवहर जिला के वर्तमान विधायक मोहम्मद सफरुद्दीन की ओर से पूरे शिवहर वासियों को रक्षाबंधन और बकरीद की शुभकामनाएं दी गई। वहीं उन्होंने शिवहर वासियों से अपील की कि भाईचारा बनाकर सभी त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। बिहार के शिवहर जिला के वर्तमान विधायक मोहम्मद सफरुद्दीन के तरफ से पूरे शिवहर वासियों को ईद उल जुहा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि पूरे शिवहर वासियों से ये अपील है कि रक्षाबंधन जो कि भाई बहन का त्यौहार है और ईद उल जुहा को प्यार और आपसी भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आज हमारा देश कोरोना महामारी, मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को शिवहर के जनता से अपील करते हैं, इस महामारी से हम सब बचें, अपने आप को इस महामारी से बचाने का कोशिश करें और ईद उल अजहा और रक्षाबंधन ये दोनों हम लोग के त्यौहार में बहुत बड़ा त्यौहार है। भाई बहन का रिश्ता है रक्षाबंधन, एक दूसरा का सुरक्षा करते हैं। इसके लिए मैं जिला वासियों को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ से इस त्यौहार में एक दूसरा से भाईचारा बनाते हुए हम लोग ईद उल अजहा और रक्षाबंधन को प्यार से दोनों त्योहार को मनाएं। यही मेरा सब लोगों के साथ दुआ है और आशीर्वाद है।